एडिशन चैप्टर नंबर फिफ्टी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर अवेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वाइड आर टू मीटर एटी सेंटीमीटर एंड सिक्सटी सेंटीमीटर जैसा कि हमें पता है क्योंकि हम जो है ना ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्लास सिक्स में सॉल्व कर चुके थे फार्मूलाज हमारे पास जो होंगे ना उनमें मामूली सा कुछ फ़र्क होता है क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक क्लास से दूसरी क्लास बड़ी क्लास में आता है तो इट्स मीन कि फार्मूले में थोड़ी बहुत चेंजेस होगी लेकिन वो चेंजेस इतनी भी नहीं होगी कि आपको समझ ना आ सके हम आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे इसको समझेंगे इसको दिमाग में ब्लर नहीं करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो जो चीज़ें फ़र्स्ट मैंशन होती हैं ना हम उनको पहले राइट कर जैसे कि हमारे पास क्यूब वाइड है तो उसकी जो डायमेंशनज है वो हम उन्होंने मैंशन की हुई हैं मेंशन क्लीयर्स में के फर्स्ट हमारे पास जो होगी वो लेंथ होगी फिर ब्रेथ होगी एंड देन हाइट होगी तो हम इसी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे सो लेट्स स्टार्ट कर देते हैं सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो जो चीजें मेंशन है पहले हम वो राइट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मेंशन है फर्स्ट क्या लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लेंथ को हम एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास है टू मीटर जो ब्रेथ हमारे पास है एटी सेंटीमीटर एंड हाइट हाइट हमारे पास है एच को से रिप्रेजेंट कर वो हमारे पास है सिक्सटी सेंटीमीटर अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्रेथ एंड हाइट का जो यूनिट है वो क्या है सेंटीमीटर में लेंथ हमारे पास क्या है मीटर में तो हम क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे टू को मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड के साथ क्योंकि जब हंड्रेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तब जाकर ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास तो ये हो जाएगा हमारे पास टू हंड्रेड सेंटीमीटर यानी अब हमारे पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों का जो यूनिट है वो सेम हो चुका है so, सो अब सबसे पहले हमसे कहा गया था वॉल्यूम को फाइंड करने को चले हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉय हमें फॉर्मूला पता है क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें तीन चीजें रिक्वायर होती हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यानी लेंथ को ब्रेथ से ब्रेथ को हाइट को आपस में इनको मल्टीप्लाई करना होता है तो इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं लेंथ हमारे पास है टू हंड्रेड सेंटीमीटर ब्रेथ हमारे पास है एटी सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास है सिक्सटी सेंटीमीटर ठीक हो जो कि अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ज़ीरोज़ ऐड होते हैं तो कोशिश यही करनी है कि हम लोगों ने पहले जीरोस को काउंट कर लेना है यहाँ पर हमारे पास कितनी जीरोस हैं वन टू थ्री फोर फोर जीरोस हैं वन टू थ्री एंड फोर सबसे पहले हम जीरोज़ को राइट कर देंगे देन हमारे पास जो यूनिट है यानी इसकी पावर वन इसकी पावर वन इसकी पावर वन तो ये हो गया क्यूब जो आसान चीज़ें पहले उनको सॉल्व कर लें अब हमारे पास क्या बच चुका है टू एट एंड सिक्स अभी यहाँ पर देखें टू एट ज़र सिक्सटीन एंड सिक्सटीन सिक्स ज़र हमारे पास आ जाएगा नाइन्टी सिक्स तो ये देखें हमारे पास जो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो आ चुका है अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम तो मांगा नहीं गया था वॉल्यूम के साथ हमसे कहा गया था कहा गया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड वो भी हम लोगों ने फाइंड करना है तो चले अब हम लोग फाइंड कर लेंगे अच्छा हमारे पास जब भी आता है ना वैसे तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लेकिन यहाँ पर क्यू बॉइड है तो इट्स मीन कि हमारे पास जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा हमारे पास टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ठीक हो चुके ये हमारे पास है फार्मूला हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पोट कर देंगे लेंथ हमारे पास है टू हंड्रेड टू हंड्रेड सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास है एटी सेंटीमीटर प्लस अभी ये देखिए ये हमारे पास है ब्रेथ हमारे पास है एटी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है सिक्सटी सेंटीमीटर हाइट हमारे पास है सिक्सटी सेंटीमीटर एंड लेंथ हमारे पास है टू हंड्रेड सेंटीमीटर अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे देखें मल्टीप्लिकेशन में जीरोज ऐड होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जीरो है वन टू थ्री थ्री जीरोज हैं वन टू एंड थ्री ज़ीरो अभी बच क्या है हमारे पास टू एंड एट अभी हम टू एंड एड को मल्टीप्लाई कर देंगे टू एट जर सिक्सटीन तो ये देखें हमारे पास आ आज सिक्सटीन मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो यूनिट होता है उसकी पावर्स ऐड हो जाती है तो यहाँ पर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर इट्स में ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस अभी एटी सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देना सिक्सटी सेंटीमीटर के साथ तो पहले हम जीरो राइट कर देंगे एक जीरो एटी के साथ का है एक जीरो सिक्सटी के साथ का इट्स मीन कि ये दो ज़ीरो हो गए अब हमारे पास क्या बच्चों के बच्चों का है नंबर एट एंड सिक्स सो एट सिक्स जरा हमारे पास आ जाएगा फोर्टी एट एंड ये यूनिट हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस अभी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है सिक्सटी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये मल्टीप्लाई करना था सिक्सटी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो यहाँ पर देखिए टू हंड्रेड के साथ टू जीरोज़ हैं सेंटी सिक्सटी सेंटीमीटर के साथ वन जीरो टोटल जी हो चुके हैं वन टू एंड थ्री जीरो ज़ीरोज़ हमने राइट कर दिए बच गया है सिक्स एंड टू सिक्स टू ज़र क्या आ जाता है सिक्स टू ज़र हमारे पास आ जाता है एटीन सो so हम यहाँ पर राइट कर देंगे एटीन सॉरी सिक्स टू ज़र हमारे पास आ जाता है ट्वेल्व सिक्स टू ज़र आ जाता है ठीक हो चुके यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर अब हमने इन वैल्यूज़ को ऐड कर देना है तो चलिए हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं एंड टू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया थर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर अब हमने इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करना है सो तो चलिए जब हम टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर फिफ सिक्सटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर फोर पर आता है क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज इज और फाइव मीटर यानी हमारे पास क्या गेवन है वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना है टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना लेकिन हमारे पास एक एज जो हमारे पास गिवन है वो क्या है 1.5 इट्स मीन के वन पॉइंट फाइव ही उसी की लेंथ है ही उसकी ब्रेथ है एंड वन पॉइंट फाइव ही उसकी हाइट है ठीक हो चुके सो so, चलिए हम क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट कर देंगे लेंथ ऑफ साइड ठीक हो चुके लेंथ ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी मेंशन है वो हमारे पास मेंशन है वन पॉइंट फाइव मीटर ठीक है जो क्या हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो so, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्योंकि हमारे पास ओनली वन यानी हमारे पास एक ही मेजरमेंट गिवन है तो इट्स मीन कि यही उसकी लेंथ भी उसकी इतनी है ब्रेथ भी सेम है एंड हाइट भी सेम है ठीक हो जो क्या तो so, चलें हम क्या कर लेंगे वन पॉइंट फाइव मीटर मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट फाइव मीटर मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट फाइव मीटर कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री पॉइंट थ्री सेवन मीटर क्यूब थ्री पॉइंट थ्री सेवन मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है अब हम लोगों को फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सो चलिए हम वो स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जब भी क्यूब होगा क्यूब का हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया ऑफ़ क्यूब फाइंड करना है तो उसका फार्मूला मैं आपको शो कर देती हूँ बुक से चलिए फार्मूला मैं आपको समझा देती हूँ यहीं से क्योंकि बुक में बुने हुए नज़र नहीं आ रहा तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी जब भी देखें हमारे पास टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब आए हुए तो हमारे पास जब भी वन रेडिंग मैं, मैंशन होगी तो हम यहाँ पर राइट करेंगे टू यानी लेंथ हमारी लेंथ भी वही है ब्रेथ भी वही है हाइट भी वही है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ तो ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ स्क्र प्लस लेंथ स्क्र प्लस लेंथ स्क्र ठीक है चुके यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखें टू ये हो जाएगा हमारे पास वन टू थ्री यानी हो चुका है थ्री एल स्क्वेयर जो कि हमारे पास बन चुका है टू थ्री जर सिक्स तो ये हो जाएगा सिक्स एल स्क्र ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दें तो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर इसके सामने ही पुट कर दूँगी वैल्यूज़ को सिक्स लेंथ लेंथ हमारे पास है वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव मीटर होल स्क्वेयर तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिक्स मल्टीप्लाई बाय 1.5 का हम जब स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.25 मीटर स्क्वायर जब ये सिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वेयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास है द एज ऑफ क्यूब इज एट एटी सेंटीमीटर लॉन्ग यानी क्यूब का जो एज है वो हमारे पास कितना है एटी सेंटीमीटर लॉन्ग है हाउ विल इट्स वॉलीम एंड सरफेस एरिया चेंज इफ़ इट्स एज इज़ डिक्रीज बाय टेन परसेंट अच्छा कह रहे हैं कि हमारे पास जो एज है एज की लेंथ हम जो एज हमारे पास है वो कितना है एटी सेंटीमीटर है यहाँ पर हम लोग उसका वॉलीम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है जब वो यहाँ पर कह रहे हैं एज डिक्रीज होगा टेन परसेंट यहाँ पर टेन सेंटीमीटर नहीं कहा गया टेन परसेंट कहा गया परसेंट का मतलब कहता है कि हंड्रेड में से टेन हिस्सा ठीक है हंड्रेड में से टेन सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सो so, चलिए जो चीज़ें हमारे पास मैंशन है यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ द एज जो हमारे पास थी वो एटी सेंटीमीटर थी हम पहले इस एटी सेंटीमीटर का पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं ठीक हो जाएगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा इस एटी सेंटीमीटर का हम वॉल्यूम लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा एल क्यूब ठीक हो चुके एल क्यूब से मुराद क्या हो गया कि एटी सेंटीमीटर का हम लोगों ने क्यूब ले लेना है जब हम क्यूब लेंगे तो क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा कि 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 80 सेंटीमीटर जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो देखें हमारे पास क्या है सबसे पहले जीरोस काउंट कर लेते हैं यहाँ पर देखें वन ज़ीरो यहाँ पर है टू एंड थ्री थ्री जीरोज़ हैं वन टू थ्री ज़ीरो एट एट दर सिक्सटीन एंड सिक्सटीन एट आ जाएगा फ़ाइव हंड्रेड ट्वेल्व अभी हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इट्स मीन कि ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब ठीक है चौके अभी देखें क्योंकि हमारे पास हमें से कहा जा रहा है कि एज डिक्रीज चेंज हुआ है बाय टेन परसेंट तो हम लोग यहाँ पर रेट करेंगे डिक्रीज बाय डिक्रीज कितना हुआ है टेन परसेंट टेन परसेंट डिक्रीज हुई थे इट्स मीन कि उसकी जो लेंथ है वो क्या हो चुकी है कम हुई है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे रिड्यूस लेंथ रिड्यूस लेंथ क्या होगी क्योंकि ये जो हमारा है टेन परसेंट है टेन सेंटीमीटर नहीं है टेन परसेंट है इट्स मीन कि हंड्रेड परसेंट में से हम लोगों ने क्या कर लेना है हंड्रेड परसेंट में से हमने टेन परसेंट को माइनस कर लेना है एंड जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने एटी सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ज़ाहिर सी बात है जब हंड्रेड परसेंट में से टेन परसेंट माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन्टी परसेंट मल्टीप्लाई बाय एटी सेंटीमीटर इसी तरीके से हमारी बात है मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था रिड्यूस बाय टेन परसेंट जब परसेंट कहा गया तो परसेंट का मतलब क्या होता है कि हंड्रेड में से यानी टोटल हंड्रेड पार्ट्स है हंड्रेड में से टेन यानी दसवा हिस्सा रिमूव हुआ है ठीक हुए जब हंड्रेड में से दसवां हिस्सा रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट को हम एटी परसेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ द एज है क्योंकि एटी परसेंट सॉरी एटी सेंटीमीटर हमारे पास पहले की लेंथ थी जिसमें से टेन परसेंट उन्होंने उसकी जो लेंथ है उसको कम किया है ठीक हो चुका है तो so, अब हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं हम इनको यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे नाइन्टी परसेंट है तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर करेंगे नाइन्टी बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय एट टी सेंटीमीटर सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा टेन के टेबल में हंड्रेड आता है टेन के साथ एंड नाइन्टी आता है नाइन के साथ इसी तरीके से टेन वन ज़र टेन एंड टेन एट ज़र एटी यानी टेन के टेबल में ये सारी कटिंग्स हो चुकी है हमारे पास बच चुका है नाइन एंड एट नाइन को एट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेवेंटी टू सेंटीमीटर इट्स मीन कि जो पहली वाली लेंथ जो एटी सेंटीमीटर थी अब वो उसका टेन परसेंट जब उसको कम किया गया तो वो अब हमारे पास हो चुकी है सेवनटी टू सेंटीमीटर ठीक है चुके तो अब हम इसी सेवेंटी टू सेंटीमीटर जो कि अब वॉल्यूम हो चुका है जो कि हमारे पास आ चुकी है लेंथ ऑफ जिसको हम ये भी मैंशन करेंगे कि ये हो चुकी है हमारे पास लेंथ ज क्योंकि न्यू एज की जो लेंथ अब आ चुकी है टेन परसेंट रिड्यूस करने के बाद वो हो चुकी है सेवेंटी टू सेंटीमीटर अब हम इस सेवेंटी टू सेंटीमीटर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे इस सेवेंटी टू का वॉल्यूम लेंगे तो क्या आ जाएगा लेंथ क्यूब इज इक्वल टू सेवेंटी टू सेंटीमीटर क्यूब इसका मतलब है कि सेवेंटी टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी टू सेंटीमीटर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री थाउजें आंसर आ जाएगा थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एट सेंटीमीटर क्यूब यानी ये हमारे पास जो आया वॉल्यूम पहला वॉल्यूम जो पहली वाली लेंथ का इंच का था फिर टेन परसेंट रिड्यूस करने के बाद जो हमारे पास लेंथ आई है हमने उसका वॉल्यूम लिया वो हमारे पास ये आ चुका है अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग अब फाइंड करेंगे चेंज इन वॉल्यूम कि जब टेन परसेंट डिक्रीज़ हुई है लेंथ तो फिर उसका वॉल्यूम हमारे पास ये आ चुका है तो जब वॉल्यूम आ चुका है हमारे पास तो चेंज कितना हुआ है तो हम क्या करेंगे चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे जो हमारी पहली जो हमारा पहला वॉल्यूम आया था वो पहले हम उसको राइट करें जो कि हमारे पास फाइव हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब में से हम माइनस कर देंगे थर्टी सेवन थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एट सेंटीमीटर क्यूब को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन थाउजेंड थ्री सॉरी वन हंड्रेड थर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू सेंटीमीटर क्यूब यानी हमारे पास जो चेंज आया है वो चेंज हमारे पास ये आ चुका है अब हम लोगों ने क्या फ़ाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं सरफेस तो पहले हम जो हमारे पास जो पहली सरफेस एरिया था जो पहले हमारे पास मेंशन थी लेंथ हम उसको फाइंड कर पहले तो राइट कर लेते चले पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स एल स्क्वेयर हम फाइंड कर रहे हैं क्यूब जो हमारा पहला क्यूब था उसका यानी सिक्स यानी एटी जिसका हमारे पास क्या थी लेंथ मेंशन थी हम उसका सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं फिर हम यहाँ पर देखें आ जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई बाय एट यहाँ पर देखें टू हो जाएंगे एट एट ज़रा आ जाएगा सिक्सटी फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर जब हम इसको सिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड तो ये देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ चुका है थर्टी एट थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर यानी ये हमारा जो पहला लेंथ हमारे पास जो मेंशन थी एटी हमने उसका फाइंड किया अब हम लोगों ने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब न्यू क्यूब का फॉर्मूला वही सेम हो जाएगा सिक्स एल स्क्वायर तो यहां पर देखें सिक्स जो हमारे पास नया क्यूब है उसकी लेंथ हमारे पास क्या आई थी सेवेंटी टू सेंटीमीटर अब हम लोगों ने क्या कर लेना है सिक्स सॉरी ये स्क्वेयर में था तो पहले हम इनको चले हम इनको राइट कर लेते हैं सिक्स मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी टू सेंटीमीटर तो आंसर हमारे पास आ जाएगा आंसर हमारे पास आ चुका है थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर अब हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों ने वॉल्यूम में चेंज मालूम किया था अब हम लोग सर्फेस एरिया में भी चेंज फाइंड करेंगे सो चेंज इन सर्फेस एरिया सो यहाँ पर देखें जो हमारा जो पहला क्यूब था जिसकी मेजरमेंट ज़्यादा थी तो हम जाहिर सी बात है उसका जो सरफेस एरिया है वो भी ज्यादा तो पहले हम इसको राइट कर लेंगे थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर में से हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास अभी आया है सेवेंटी टू सेंटीमीटर डिक्रीज बाई टेन परसेंट का जो हमारे पास लेंथ थी उसका सरफेस एरिया हमारे पास आया है थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट हो चुका है